हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आजकल आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि 30 मई तक आपको मोराटोरियम मिलेगा, या फिर 30 मई तक आपको मोराटोरियम मिल रहा है, आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से न्यूज़ निकल के आई है कि आपको जून तक मोराटोरियम मिलेगा। तो इसकी क्या सच्चाई है? क्या ये बात सच है या गलत है? या अगर सच है तो कितने परसेंट तक आपको उम्मीद है कि मोराटोरियम मिलेगा, या फिर मिलेगा तो वो डेट कब होगी, क्या वो डेट अनाउंस होगी भी या नहीं होगी? सारे इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो उसी के लिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राकेश कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर के टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी कि 30 मई तक आपको मोराटोरियम मिलेगा या 30 जून तक मोराटोरियम मिलेगा। तो देखिए, इसकी क्या सच्चाई है उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि मोराटोरियम होता क्या है। मोराटोरियम देखिए, एक तरह से आपकी ईएमआई को टाल दिया जाता है कुछ समय के लिए। उस पर जो इंटरेस्ट आपको एप्लीकेबल होता है वो आपको देना पड़ता है। या लास्ट आपने लॉकडाउन में देखा था, इंटरेस्ट लगा था बट बाद में बैंक ने वो वेव ऑफ कर दिया था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी ईएमआई को माफ़ नहीं किया जाता है, कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है, मतलब आपका उतना टाइम फ्रेम बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए आपको अगर 3 महीने का मोराटोरियम मिला है, तो आज से आने वाले 3 महीने तक आपकी ईएमआई नहीं कटेगी, वो ईएमआई आपके अगले 3 महीने के बाद में कंटिन्यू कर दी जाएगी। तो ये होता है मोराटोरियम। अब मोराटोरियम मिलता किस कंडीशन में है? देखिए, मोराटोरियम मिलने के कई सारे कंडीशन हैं, बट सबसे बड़ा कंडीशन ये है, कोई आर्थिक संकट आता है, या कोई आर्थिक कंडीशन में किसी तरह से, मान लो लॉकडाउन लग गया, या कोई महामारी आते समय मतलब सारा कारोबार बंद हो गया, बैंक बंद हो गए, या फिर आपके जो कंपनी ऑफिस हैं वो सारे बंद चल रहे हैं, आपकी इनकम नहीं आ रही है, सारा काम जहाँ के तहाँ रुका हुआ है। तो उस कंडीशन में आरबीआई आप लोगों को मोराटोरियम देती है, आपकी ईएमआई को एक्सटेंड कर देती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज निकल के आ रही है ये कितनी सच है और कितनी गलत है। देखिए, जो आजकल वीडियो यूट्यूबर डाल रहे हैं कि आपको 30 मई तक मोराटोरियम मिल जाएगा, या फिर 30 जून तक मोराटोरियम मिल जाएगा, तो ये जानकारी सरासर गलत है, एकदम फेक न्यूज है। अभी तक ऐसी कोई अपडेट आरबीआई की तरफ से नहीं निकल के आई है। जैसे ही ऐसी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। हाँ, कंडीशन को देखते हुए, माहौल को देखते हुए काफ़ी हद तक चांसेस बन रहे हैं कि आपको मोराटोरियम मिल सकता है, बट मैं कंफर्म आपको नहीं बोलूँगा कि मोराटोरियम मिलेगा ही मिलेगा। बट आजकल की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो सिचुएशन देख के ये लग सकता है कि मोराटोरियम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 90% उम्मीद मुझे उस कंडीशन में हुई कि अभी पिछले 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आ रही थी, जिसमें एमएसएमई लोन को मोराटोरियम देने के लिए जिक्र किया गया था। तो देखिए, जब एमएसएमई इतना बड़ा सेक्टर जब प्रॉब्लम में हो सकता है, तो छोटी मोटी जनता तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम में आ ही जाएगी। अगर एमएसएमई सेक्टर को मोराटोरियम मिलता है तो आम जनता को मोराटोरियम मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई इफ एंड बट वाली कोई बात नहीं है। बट अगर आज का सिचुएशन देखें तो ये पूरी उम्मीद है कि आपको मोराटोरियम मिलेगा ही मिलेगा, अगर यही सिचुएशन चलती रही तो। बट मैं आपको 100% नहीं बोलूँगा कि ये मोराटोरियम मिलेगा ही मिलेगा, बट जो आपको न्यूज़ मिल रही है इधर से इधर उधर से कि मोराटोरियम मिलने वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दिया है, तो ये जानकारी सरासर गलत है। अब इनको थोड़ा सा पॉसिबल करने के लिए आपको थोड़ी सी कंडीशन और अपनानी पड़ेगी, उससे हो सकता है कि आपको जल्दी मिल जाए, या आरबीआई की तरफ ज़्यादा ट्वीट पहुँचेंगे तो हो सकता है उसको देख के अनाउंसमेंट हो जाए। आपको एक ट्वीट करना है अपने मोराटोरियम के बारे में, अगर आपको कोई, अगर आप सही में किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है लोन चुकाने के लिए, तो आप ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं और उसमें टैग कर सकते हैं आरबीआई के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर, पीएमओ इंडिया, या फिर आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी को आप टैग कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को आप टैग करके
ये आप ट्वीट कर सकते हैं, इससे क्या होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट उनके पास पहुँचते हैं तो उन्हें लगेगा कि जनता वाकई में प्रॉब्लम का सामना कर रही है, तो हो सकता है उस कंडीशन में आपकी कुछ मदद हो सके। तो ये कुछ जानकारी थी जो इधर उधर से आपको गलत जानकारी मिल रही थी, वो सारी जानकारी आज मैंने इस वीडियो में आपकी क्लियर कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कमेंट में मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कमेंट में किसी का भी मोबाइल नंबर ना मांगे, ना मेरा, ना मैं आपका नंबर मांगता हूँ किसी का। अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस समय आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। वीडियो से रिलेटेड कोई आपका कन्फ्यूज़न है, कोई सजेशन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं एज सून एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँच सके और कोई भी इस जानकारी से वंचित ना रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।